Welcome to another video. It is about the carboxylic acid. ठीक? How you can identify that it is a carboxylic acid? By COOH. अगर किसी भी चेन में COOH प्रेजेंट है तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है. ठीक है, जैसे कि आपने अल्कोहल को पहचाना OH प्रेजेंट था. इफ OH इज प्रेजेंट देन अल्कोहल, इफ Cl इज प्रेजेंट देन हेलोजन. ठीक है, एंड इफ COOH इज प्रेजेंट देन इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड. अब हम इसे ओपन स्ट्रक्चर में बनाते हैं. ओपन स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा? C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, वन बॉन्ड इज फ्री. अगेन द सेम लिमिटेशन दैट वी कैन नॉट अटैच दिस इन द मिडिल ऑफ द चेन. इफ वी वॉन्ट टू अटैच देन वी कैन अटैच ओनली इन द कॉर्नर्स. हम सिर्फ कॉर्नर्स पे लगा सकते हैं, बीच में नहीं लगा सकते. क्यों? बिकॉज ओनली वन बॉन्ड इज फ्री. एक ही हाथ, दो हाथ तो है ही. ठीक है, दो हाथ होते तो बीच में लगता ना. अभी एक हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ है तो आप किनारे पे लगोगे चेन में. ठीक है, तो इसको भी हमें कहाँ लगाना है? कॉर्नर्स. तो कार्बोक्सिलिक एसिड व्हाट वी यूज एज प्रीफिक्स, इट्स अ ओइक एसिड. ठीक है, जैसे अल्कोहल के लिए हमने लगाया मिथेनॉल, एल्डिहाइड के लिए मिथेनॉल. ठीक है, तो ऐसे यहां पर लगेगा मिथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड. क्लियर? तो मिथेनोइक एसिड स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मेथ मींस वन कार्बन एंड डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एच, वन बॉन्ड इज फ्री, यू कैन अटैच वन हाइड्रोजन. ठीक है, तो ये क्या हो गया? एच सी ओ ओ एच. व्हाट इज दिस? मिथेनोइक एसिड. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको एल्केन, एल्कीन और अल्काइन समझ में आ गया स्टार्टिंग में, तो अभी ये सब बहुत आसान लग रहा है. अभी हमें यहाँ पे लिखना है इथेनोइक एसिड. तो एच मींस कितने कार्बन? टू कार्बन. सो टू कार्बन, बस हाइड्रोजन कंप्लीट करो. इतना ध्यान रखना कि कार्बन हैज वैलेंसी फोर. कार्बन की वैलेंसी चार होगी. जिसे वैलेंसी याद करने में प्रॉब्लम है वो एक गेम की तरह से खेलेगा और सोचेगा कि कार्बन के चार डंडे तुम्हें लगाने हैं. नॉर्मली छोटे बच्चों को बोलते हैं इधर डंडे पूरे करने, तो आपको कार्बन के चार डंडे पूरे करने हैं, पांचवा डंडा नहीं होना चाहिए. ठीक है, और चार से कम भी नहीं होंगे. तो ये कार्बन में देखो ना, वन टू थ्री फोर. बहुत सारे बच्चे इतना समझाने के बाद भी गड़बड़ क्या कर देते हैं कि यहाँ पर डबल लगा देंगे या यहाँ डबल लगा देंगे, और वो ये काउंट नहीं करेंगे कि ये तो पांच हो. ठीक है, तो आपको क्या काउंट करना है कि कार्बन के जो डंडे हैं वो कितने होने चाहिए? चार, फोर, वन टू थ्री फोर. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सी एच थ्री सी ओ ओ एच. और नाम क्या लिखेंगे? इथेनोइक एसिड. ऐसे ही आप आगे लिख सकते हैं ब्यूटेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, कोई भी एसिड आप बना सकते. ठीक है, जैसे एक मैं हेक्सेनोइक एसिड बना. हेक्सेनोइक एसिड मींस हेक्स मींस हाउ मच कार्बन? सिक्स कार्बन. तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. और अभी आपको ओइक एसिड बनाना है तो क्या जोड़ना है? COOH. तो या तो आप इस कार्बन में जोड़ सकते हैं एंडिंग वाले में, या फिर से स्टार्टिंग वाले कार्बन में जोड़ सकते हैं. क्या जोड़ना है? COOH. तो कहाँ जोड़ते हैं? हम यहाँ जोड़ते हैं, हमको यहाँ बहुत मजा आ रहा है जोड़ने में. डबल बॉन्ड से O जोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड से H जोड़. और बाकी सबका वन टू थ्री फोर गाना गाते जाइए और जोड़ते जाइए. ठीक है, ये सबका वन टू थ्री फोर कंप्लीट हो. कहाँ गड़बड़ हो गया? H की जगह OH लगाना. वेरी गुड, इसका मतलब ध्यान दिया जाए. ठीक है, हमें जोड़ना था COOH. अगर क्या होता, मैं यहाँ पर सिर्फ डबल बॉन्ड से और सिंगल बॉन्ड से H जोड़ती तो ये कौन सा ग्रुप हो जाता? एल्डिहाइड. ठीक है, तब ये CHO ग्रुप हो जाता, COOH ग्रुप नहीं होता. ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या जोड़ना है? OH जोड़ना है, डबल बॉन्ड से O जोड़ना है, बाकी सब में आप हाइड्रोजन कंप्लीट लगा दें. तो ये जो आपका बना है इसका नाम क्या है? हेक्सेनोइक एसिड. क्लियर?
क्लियर हुआ? आई होप यू अंडरस्टैंड।